सर, हम आपके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हमने अक्सर जो आपका झुकाव है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है आपका क्रिकेटर्स को लेकर के देखा है। आपका एक प्रपोजल जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा, लोगों की जुबान पर रहा, जब आपने मोहम्मद शमी को प्रपोज किया था कि आप उनसे शादी तक कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त लगा दी थी कि अगर वो अपनी इंग्लिश सुधार लें। इस पर क्या कहेंगी? एक्चुअली मैंने वो बहुत एकदम मतलब कुछ भी सोच के नहीं, आई वाज जस्ट ऐसे मजाक में लिख दिया था। मतलब मुझे उसके एक सेकंड पहले भी नहीं पता मैं क्या लिखने वाली हूँ या आई हैव एनीथिंग फॉर हिम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई वाज प्लेइंग सो वेल, आई डिडंट नो हाउ टू अप्रिशिएट हिज गेम, तो मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये लिख दिया। और फिर आफ्टर सडन टाइम मैंने देखी इट्स एवरीवेयर एंड ओनली पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन कहते हैं कि सोच समझ के हम कुछ करते हैं तो वो उतना रियल नहीं होता है, लेकिन आपने बोला कि आपने सडनली कह दिया, लेकिन इसमें यहाँ पर आपने जो बात कही थी कि अगर वो अपनी इंग्लिश सुधार लें, तो क्या हम मान के चलें कि आप अगर अपना बॉयफ्रेंड चुनती हैं या अपने पति को चुनती हैं तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं मजाक में बोली थी। और हाँ, बट प्रेजेंटेबल तो होना जरूरी है। और एक इंसान के साथ जिसके साथ तुम पूरे जिंदगी गुजारना चाहते हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है कि वो कितना लवेबल है, कितना ऑनेस्ट है। ये दोनों चीज होता है ना, इंसान अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी हो या इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी चल जाता है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट द पर्सन यू आर गोइंग टू लीव योर लाइफ शुड बी ऑनेस्ट, शुड बी लाइक अ काइंड ऑफ शुड बी डेडिकेटेड टू यू, शुड लव यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा हो कि सब कुछ है लेकिन तुम घर पे हो और बाहर जाके किसी और के साथ है, देन व्हाट्स द फन ऑफ हैविंग एनीथिंग इन दैट वे। ऑनेस्टली सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट द पर्सन शुड बी नाइस। जी, मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं, जो इंग्लिश वाली आपने शर्त रखी थी, उनकी उम्मीदें टूट गई थी, अब वो उम्मीदें खिल गई होंगी, काफ़ी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होंगी। पायल, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। इरफान पठान को लेकर के आपने कहा कि आप 5 साल उनके साथ रिलेशनशिप में थी, बात आपने खुलकर कही, ऐसा क्यों आपको कहना पड़ा? और इसके साथ ही हम ये भी अब जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया ही, तो ऐसा क्या हुआ कि 5 साल का रिश्ता टूट गया? शायद हम लोगों के रिलीजन के वजह से। ऐसा नहीं, इरफान इज अ नाइस गाय और उसने अपने तरफ से कोशिश भी की, ना मेरा फैमिली ना मेरे पापा एक्सेप्ट किया था ना उसके फैमिली ने, बिकॉज ऑफ द रिलीजन थिंग, दैट वाज द ओनली रीजन। अदरवाइज आई वाज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली, मैं उसके घर पे जाती थी, उसके घर पे रहती थी, आई वाज वेरी क्लोज टू हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, हिज कजन, सबके साथ। लेकिन फाइनली आई थिंक दैट जब वेन द एक्चुअल टाइम केम वेर ही वॉज एक्चुअली उसे फोर्स किया जा रहा था शादी करने के टाइम में, उस टाइम जब हर चीज सामने आई तो द रिलीजन थिंग केम इन बिटवीन अस। जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, एक सब्जेक्ट आपने चुना था जिस पर काम किया, लव जिहाद उसका सब्जेक्ट था, और इस फिल्म को करने के बाद में, इस प्रोजेक्ट के बाद आपको सफाई देनी पड़ी थी कि आप मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट नहीं हैं। इसके पीछे की क्या ऐसे हालात रहे, क्या वजह रही कि आपको सफाई देनी पड़ी? नहीं, वजह कुछ भी नहीं रहा, जो मैं सोचती हूँ मैं बोलती हूँ। मुझे यू नो मी, मैं किसी कोई मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए। पहले जो बच्ची पायल थी जब बॉलीवुड में आई थी, उस पायल और आज के पायल में बहुत फर्क है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, तब मैं डरती थी, अभी तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और मैं वही बोलूंगी जो सच है और जो मुझे सही लगता है। जी, तो यू नो लाइक मैंने आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, ये तो हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे तो होते ही है, लेकिन हमने ये बहुत देखा गया है कि इफ यू सी उस कम्युनिटी में कुछ हद तक लोगों को मतलब कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ऐसे मेंटली प्रोवोक किया जाता है सो दैट यू नो दे गेट मैरिड टू हिंदू गर्ल्स एंड देन किल देम। ये ना बहुत बहुत होता है, एंड वी हैव सीन सो मेनी स्टोरी, सो मेनी हैपन, ऐसे बहुत हुआ है। तो वो वीडियो सिर्फ एक सोशल अवेयरनेस था, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुस्लिम लड़का बुरा होता है या हर मुस्लिम फैमिली बुरे होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन टू सम एक्सटेंट इफ यू सी द एक्सट्रीमिज्म, उनमें थोड़ा ज्यादा ही है। जी,